हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्राइविंग विद सैफ। तो आज हम है यमहा का बहुत ही पावरफुल बाइक है, यमहा का MT-03। इसका आपको रिव्यू लेके आने वाले हैं और ये बाइक जो लेटेस्ट वर्जन है 2024 का है। और ये जो है ना आपको नॉर्थ बिहार में जो है पहला एजेंसी है दरभंगा में मिलेनियम ऑटो, यहाँ आपको अवेलेबल है। और ये पूरी तरह से ब्लैक में है और इसका और भी अच्छा अच्छा फीचर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें क्या क्या है, इंडिकेटर वगैरह क्या है, इसका कैपेसिटी क्या है, पावर क्या है, वो सब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बाइक का। मुझे सबसे अच्छा जो लगा है इसका जो है टर्न इंडिकेटर, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इंडिकेटर जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये LED में है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो LED पे जो कवर लगा हुआ रहता है वो जो है इसमें नहीं है, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको लग रहा है। इस बाइक का लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होगा जब इसमें एक नया फीचर ऐड हुआ है, वो है हजार्ड का। तो चलिए ये आप देख लिए, ये भी इस साइड है। और इस बाइक का जो है और भी खूबसूरत चीज़ ये है, इसका हेडलाइट जो हो गया ना फ्रंट से, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये प्रोजेक्टर है और ये जो है ना आपको जो है ईगल आई शेप कह सकते हैं, इसको जो आप ईगल आई शेप कह सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसका एक मेन चीज़, ये जो है क्लच लीवर, ये देख रहे हैं ये आपको जो है मेटल में मिलने वाला है, जो इस बाइक का लुक जो है ब्लैक से डिफरेंट कर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि आप थोड़ा सा आपको जो है इसका जो मिरर के बारे में बात करें। तो ये मिरर जो है यमहा का बाइक का कोई भी मिरर लीजिए, कोई भी बाइक का मिरर हो, काफ़ी अच्छा खूबसूरत रहता है और लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आप इसको जो है इस पर क्या क्या कंट्रोल वगैरह दिया गया है। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपको जो है पासिंग लाइट दिख जाएगा, यहाँ पे लाइट कंट्रोल करने के लिए हाई बीम लो बीम के लिए यहाँ पे स्विच, यहाँ पे हॉर्न और यहाँ पे आपको जो है टर्न इंडिकेटर के लिए लेफ्ट राइट के लिए यहाँ पे स्विच आपको मिलने वाला है। अब इस पे आइए क्या क्या कंट्रोल है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा कि सबसे अच्छा क्या है, इसी में आपको ऑन ऑफ और स्टार्टिंग तीनों चीज इसी में दे दिया गया है। ऑफ ये और यहाँ से आपको कर दीजिए तो ये स्टार्ट होके अपने आप स्विच अपने स्पेस पे अपने जगह पे चला जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ये जो हो गया आपको हजार लाइट का हो गया। लोगों का हमेशा शौक रहता है कि मेरे बाइक में भी हजार लाइट होना चाहिए, तो लोग जो है ना वायरिंग कटा वगैरह करा के जो है ये बनाते हैं तो बाइक के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, लेकिन कंपनी इस चीज को समझते हुए ये आपको प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद चलिए हम आपको बात करते हैं कि इसका ये भी जो है ना ब्रेक लीवर, ये भी आपको जो है मेटल में मिलने वाला है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि ये बाइक तो पूरी तरह से ब्लैक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये हैंडल ग्रैब ब्लैक दे दिया जाता तो ये जो है थोड़ा सा ऑड लग सकता था, इसीलिए कंपनी जो है खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पे इसको जो है देख रहे हैं सिल्वर कलर में दे दिया गया, प्रोवाइड कर दिया गया है। और इस बाइक का आप टैंक देखेंगे और दूसरे यहाँ से और इस बाइक का टैंक देखेंगे तो भाई साहब इसका जो पावर दिया गया ना इंजन का 321 cc, उसी के हिसाब से इसका टैंक भी काफी बड़ा दिया गया है। एक बार आपको हम बोलेंगे कि दूर से आप जो है बाइक को दिखा दीजिए, ये बाइक जो है कितना मस्कुलर लग रहा है और कितना हेवीपन इस बाइक में आ रहा है। ये रोड के साथ काफी अच्छा ग्रिप बनाएगा और अगर आप रेसिंग वगैरह करते हैं या हाईवे पे चलाते हैं तो आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा कि मेरी बाइक हल्की है, आपको काफी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करा देगा। और यमहा के बाइक के अंदर टायर वगैरह जो आता है तो वो आप समझ में कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा जो है कंट्रोल आपको देता है। साथ में इसमें आपको डुअल चैनल ABS वगैरह भी मिलने वाला, बहुत सारा फीचर है जो हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम टैंक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टैंक पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे स्टिकर, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है फ्यूल के लिए इसका कैप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो है E5 और E10 का बेजिंग भी, यहाँ पे आपको E5 और E10 का बेजिंग भी मिलने वाला है और ये पूरी तरह से फुल्ली डिजिटल है। तो चलिए इसको जो है ऑन करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको ABS का हो गया, यहाँ पे आपको लाइट के लिए हो गया, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर के लिए हो गया, यहाँ पे आपको जो है गियर जो शिफ्टर है, कहने का मतलब गियर का जो ये रहता है 1-2 वो यहाँ पे इंडिकेटर दे दिया गया है, यहाँ पे आपका ये चेक इंजन लाइट वगैरह दे दिया गया है, यहाँ पे आपको किलोमीटर के लिए, यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर टाइम और यहाँ पे आपको गियर शिफ्टर है, यहाँ पे आपको जो ये हो गया RPM वगैरह प्रोवाइड किया गया है। तो ये मीटर जो है ना पूरी तरह से जो है डिजिटल कर दिया गया है, जो कि इस बाइक के लिए होना ही चाहिए था। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका टैंक जो है, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे एक पार्ट अलग है और ये एक पार्ट अलग है, जो कि इस बाइक का लुक जो है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। उसके बाद इंजन के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं कि 321 cc का है। यहाँ पे जो है देख रहे हैं इंजन को कूल करने के लिए यहाँ पे कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है, ताकि आप कितना भी लॉन्ग ड्राइव करें बिना स्टॉप के आप काफ़ी लंबा रन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट से तो ये शॉक अब्जर्वर है, ये काफी हेवी है, काफी मोटा है, जो कि आपको जो है कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, आपको जो है कहीं भी रफ रोड में भी चलाए तो ये आपको अच्छा जो है कंफर्टनेस फील कराएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिस्क प्लेट जो फ्रंट वाला ABS के साथ आता है और ये काफी हेवी है, काफी मोटा है और काफी बड़ा भी है। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट में टायर है, तो आपको टायर का साइज भी हम आपको बता देते हैं। तो इसमें कौन सी कंपनी का टायर लगने वाला है, डनलप का टायर है, और इसका आपको जो इसका जो हम आपको जो है ये बताते हैं कि ये टायर कौन सा साइज है, 110/70 R17M, ये जो है इसका टायर साइज है और ये टायर जो है काफी मोटा है फ्रंट के लिए। उसके बाद हम पीछे आपको दिखाते हैं, पीछे भी टायर जो है काफी ज्यादा चौड़ा और काफी अच्छा दिया गया, तो उसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे आपको वही हो गया इंजन कूलिंग के लिए सिस्टम, यहाँ पे ये इंजन का ये, और यहाँ पे आपको जो है इंजन गार्ड जो दिया गया है, ये नीचे आपको इंजन कहीं पे नहीं टकराएगा और ये आपको कीचड़ वगैरह से आपके इंजन को बचाएगा, जिससे कीचड़ वगैरह पड़ने से जो है इंजन का कलर वगैरह नहीं खराब होगा। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मेन स्टैंड नहीं मिलेगा इस बाइक में, यहाँ पे आपको गियर शिफ्टर रॉड देने वाला मिलने वाला है, यहाँ पे आपको जो है पैर रखने के लिए ये आपको लीवर मिल जाएगा। उसके बाद अगर पीछे बैठता है लोग तो यहाँ पे भी आपको जो है पीछे पैर रखने के लिए तो होना ही चाहिए। उसके बाद आप चैन कवर देख रहे होंगे तो ये काफी अच्छा दिया गया है, अगर आप पीछे किसी को बैठाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ये चैन कवर जो है उसको जो है कपड़ा वगैरह फंसने से बचाएगी। और पीछे जो टायर लगा हुआ है ये भी डनलप का ही लगा हुआ है, तो इसका साइज के बारे में हम आपको बताते हैं कि पीछे का टायर का साइज है 140/70 R17 MYC, तो ये पीछे का टायर हो गया, ये भी काफी चौड़ा है। उसके बाद चलिए हम बताते हैं आपको कि पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं यमहा का बैजिंग आपको मिल जाएगा, ये आपको जो है स्प्लिट सीट है, यहाँ पे आपको राइडर बैठेगा और यहाँ पीछे जो बैठते हैं उनके लिए बनाया गया। यहाँ पे आपको यमहा का लोगो दिख जाएगा, यहाँ पे आपको यमहा का बैजिंग दिख जाएगा, छोटा सा स्टिकर दिया गया जो कि इस बाइक का लुक काफी ज्यादा इनहेंस कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे वही फ्रंट वाला इंडिकेटर जो कि इस बाइक में काफी यूनिक लग रहा है, और इसके बाद यहाँ पे आपको वही नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका एग्जॉस्ट के बारे में, तो ये एग्जॉस्ट इसका काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसको ना ही मोटा दिया गया है ना ही ज्यादा पतला दिया गया है, ताकि पीछे का टायर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना हुआ रहे और इस बाइक का लुक जो है पीछे से इनहेंस हो सके। यहाँ पे आपको जो पीछे बैठेंगे उनके लिए यहाँ पे पैर रखने के लिए फुट रेस्ट है, यहाँ पे ड्राइवर के लिए फुट रेस्ट है, और ये आपको जो दिख रहा है ये ब्रेक कंट्रोल करने के लिए ब्रेक लीवर दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका एक और अच्छा फीचर है जिसके बारे में, इसका इंजन जो है काफी अच्छा है और काफी पावरफुल है, और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे चलाते हो तो नॉन स्टॉप आप चला सकते हैं। आपको इंजन ऐसा नहीं है कि इंजन हीट करके आपको परफॉर्मेंस में कमी होगी, आपको परफॉर्मेंस में कहीं भी कमी नहीं होने वाली है। हाँ, तो चलिए हम इसका जो एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाते हैं, तो स्टार्ट कीजिए। चलिए एक बार और हम आपको सुनाते हैं, आप स्टार्ट में जो है ध्यान दीजिएगा कि कितना अच्छा साउंड लग रहा है। अब इस बाइक का जो है आपको जो है हम 1000 लाइट ऑन करके आपको दिखाते हैं, तो सामने से थोड़ा सा आप कवर कर लीजिए, सामने से दिखा दीजिए। तो चलिए अब हम आपको जो इस बाइक का जो ये 1000 लाइट दिया गया उसको ऑन करके दिखाते हैं। तो देखिए जब आप रात में ड्राइव करेंगे और रात में आप इसको जो ऑन कर लेंगे ना, तो इस बाइक का लुक जो है काफी ज्यादा इनहांस होगा। तो चलिए बहुत सारा फीचर मैंने इसका कवर कर लिया, अब इस बाइक के प्राइस जो है उसके बारे में बात करते हैं कि एक शोरूम कितना पड़ेगा और ये इसका ऑन रोड प्राइस कितना पड़ने वाला है। तो चलिए भैया बताइए इसका सबसे पहले बात की एक शोरूम प्राइस कितना पड़ेगा। सर इसका फर्स्ट ऑफर एक शोरूम प्राइस है 4,59,900। ऑन रोड प्राइस कितना? ऑन रोड सर इसका रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस सब लेके 5,00,000-5,50,000 के अप्रॉक्स आ जाएगा। और ये बाइक काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसका इंजन कितना सीसी का वो भी बता दीजिए। इसका इंजन 321 सीसी है। इसका इंजन का जो कूलिंग सिस्टम है वो कौन सा, एयर है या ऑयल कूल इंजन? हाँ ऑयल कूल इंजन है, क्योंकि काफी अच्छा इस बाइक का परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। और डबल सिलेंडर के साथ ये बाइक है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना पावरफुल हो सकता है। अगर आप हाईवे वगैरह पर ड्राइव करेंगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी और धमाकेदार वीडियो में किसी और अच्छे बाइक के रिव्यू के साथ।